फ्रेंड्स, आप स्नेहल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली अबाउट रेसिपीज बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। आज भी मैं एक स्वीट लेकर आई हूँ जो जनरली दिवाली पे हमारे घरों में बहुत पसंद की जाती है, वो है काजू कतरी। काजू कतरी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आज मैं जो काजू कतरी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है नॉन कुक्ड काजू कतरी, जिसमें हमें इतना चाशनी बनानी है, इतना कोई कुकिंग प्रोसीजर है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। ये हमें चाहिए सबसे पहले तो काजू कतरी है, तो काजू पाउडर चाहिए, शुगर पाउडर, मिल्क पाउडर, घी, मिल्क एंड वरक है। सो फ्रेंड, इसमें कोई कुकिंग प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ हमें मिक्स कर कर ही इसको बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे काजू पाउडर। ये मैंने 1 कप काजू पाउडर लिया हुआ है। आप काजू पाउडर को है ना मिक्सी में पीसे जब भी, तब उसको 1 सेकंड के लिए ऑन करना है, बंद कर देना है, ऑन करना है, बंद कर देना है, इसी तरह से करिएगा। अदरवाइज आप एक साथ चलाएंगे तो काजू जो है वो अपना ऑयल छोड़ देता है, तो फिर वो एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा, पाउडर फॉर्म ऐसा नहीं रहेगा। हमें ऐसा पाउडर फॉर्म चाहिए। तो ये मैंने 1 कप लिया हुआ है। इसके साथ 1 कप हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं। इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे, वो 1/2 कप है। 1/2 कप इसलिए लिया है क्योंकि जो मिल्क पाउडर हमने लिया हुआ है उसमें भी शुगर होती है, तो ज़्यादा स्वीट हो जाता है फिर, इसीलिए शुगर पाउडर सिर्फ हमें 1/2 कप ही चाहिए। अब पहले हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें मिल्क ऐड करना है। मिल्क हम 1-1 स्पून कर ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसका डो बनाना है। ज़्यादा मिल्क एक साथ नहीं ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। मिक्स करते जाएंगे। अभी मैं स्पून से कर रही हूँ, फिर मैं हाथ से करने लगूंगी। अभी 1 टेबल स्पून में और इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किए हैं। अभी मैं इसको आटा गूंथ लूंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही अब मैं मिल्क ऐड करूंगी, मोस्टली अब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड, ये डो फॉर्म में अभी रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क यूज़ किया है। ऐसा फॉर्म हो जाए डो फॉर्म में, उतना ही हमें मिल्क लेना है। अब हम थोड़ा सा हाथ को ग्रीस करके आटे को मसल लेंगे। अब हम घी ले रहे हैं। पहले हमें हाथों को ग्रीस कर लेती हूँ ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसमें भी 1 टीस्पून जितना घी ले रहे हैं और इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, अभी ये मैंने मसल लिया है। इसको 2 मिनट घी लगाकर हमें मसलना है। 1 टीस्पून घी इसमें इनफ हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा और ले सकते हैं। देखिए ऐसे करना है। अब हम इसको बेलेंगे। ये मैंने बटर पेपर ले लिया है, इस पर अभी मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी ताकि जब हम इसको निकालें ना काजू कतरी को, तब ये अच्छे से निकल जाए, चिपके ना। 2 बटर पेपर लगेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लास्टिक शीट भी चलती है, किसी में भी आप कर सकते हो। ये दोनों में मैं लगा लेती हूँ। अब हम ये आटा ले लेंगे जो हमने बनाया हुआ है। ये मैं थोड़ी मोटी ही कर रही हूँ इसलिए मैंने इतना पूरा ले लिया है। आप चाहे तो थोड़ी पतली करना चाहे तो ये आधा लेकर भी बेल सकते हैं। इस पर हम जो हमने ग्रीस किया हुआ पार्ट है ना, वो हम इस पर रखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। और अब हम इसको बेल लेंगे। ये आप जितना ठीक रखना चाहे उतना आप बेल सकते हो। पतला करना है तो और ज्यादा बेल लीजिए।
क्योंकि इसमें हमने कोई चाशनी वगैरह नहीं ली है, तो बेलने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि ये इजीली हो जाता है, बहुत ही इजी होती है ये। और टेस्ट में तो कभी कॉम्प्रोमाइज हम करते ही नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे मैंने बेल ली है, ये मैंने इतनी थिक रखी हुई है, आप अपनी हिसाब से जितनी थिक चाहे उतनी रख सकते हो। अब हम इसको थोड़ा सा पहले शेप दे देंगे इसे स्क्वायर में, फिर इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इस पर वरक लगा देते हैं। वरक मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आप अगर अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। वरक कभी भी आप हाथ में लेकर मत लगाइए, ये जो आता है उसको आप इस पर सीधे ही ऐसे रख दीजिए एंड थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दीजिए। हाथ में अगर आप लेंगे तो वो आपके हाथ पे चिपक जाएगा। इसी तरह से मैं सारे में वरक लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस पर मैंने अभी वरक लगा लिया है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी शेप में या फिर जो भी साइज में कट करना चाहें कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसके पीस कर लिए हैं। ये देखिए, ये इतनी सुंदर हमारी काजू कतरी बनके तैयार हुई है। कोई बता भी नहीं सकता कि आप इसे मार्केट से नहीं लाए हैं और बिना चाशनी के बनाई हुई है। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी इजी एंड क्विक नॉन कुक्ड काजू कतरी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी इजीली और क्विक हमने काजू कतरी बना ली, जिसमें ना चाशनी लेने का झंझट है ना पिंकी कोई प्रोसीजर, हार्डली 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। हाँ, अगर थोड़ा कट करने में आपको लगे कि स्टिकी है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए और फिर कट कीजिए, तो भी ये बहुत ही अच्छी बन जाती है। वैसे इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है। अब बिंदास बनाइएगा इस दिवाली पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।